स्टार प्लस के शो को तो आपने बहुत सराहा होगा, दिया और बाती, और दिया और बाती की पूरी जो पुरानी स्टार कास्ट नई स्टार कास्ट में यानी कि तू सूरज मैं चांद पियाजी सांझ पियाजी सांझ पियाजी के साथ में पूरा एक उनकी जो टीम है भाबो पूरे फैमिली को लेकर के आई है। राठी फैमिली को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नए पर्दे पर? सबसे पहले तो जयपुर में देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और राम राम। मैं भाबो, दिया और बाती हम का नया अध्याय तू सूरज मैं सांझ पियाजी स्टार प्लस दोपहर 3 अप्रैल से 1 बजे राठी फैमिली के बारे में, वेद वंश और कनक के बारे में साथ में लाई हूँ मीना बीनणी और बाबा सा और आपकी अपनी भाबो आपके शहर जयपुर में अपने परिवार के साथ। ये लीजिए, ये हमारी मीना बीनणी है। कनक के लिए कुछ नया शो है कनक, पिछला जो शो था बहुत ज़्यादा हिट था, दिया और बाती इसके कुछ पुराने कैरेक्टर जैसे भाबो से कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीज़ की हाँ इंटरेस्टिंग क्या करना है पर्दे पे, इनसे कुछ सीखा? हाँ बिल्कुल, जो जिस टाइप के इमोशंस भाबो पोर्ट्रे करती हैं बिना कुछ ज़्यादा या कम किए, और एज एन एक्टर मैं इनसे बहुत सीखती हूँ, इनको बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, तो हाँ ये चीज़ है। आप पिछले शो में भी थी, इस शो में भी हैं, कनक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कन्वे किया कि भाबो भी इतना ही प्यार कनक को करें ऑन स्क्रीन के अलावा? ऑन स्क्रीन भाबो एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी किसी से नफरत नहीं कर सकती है, लेकिन अगर नफरत है तो बहुत बड़ा रीज़न है, और मैं भी थोड़ी नाराज़ हूँ इनसे इस बारी तो। और बाबा साहब आप भी है ना नाराज? मैं भी नाराज चल रहा हूँ आजकल संतोष से। हाँ तो संतोष मतलब भाबो ने ना कुछ ऐसा कुछ किया है जो आपको दोपहर 1 बजे ही पता लगेगा। स्टार प्लस दोपहर में 1 बजे तू सूरज मैं सांझ पिया, मीना भी बोलेगी स्टार प्लस पे 1 बजे तू सूरज में सांझ पिया जी ना, देखने आ जा, नहीं देखा तो ये मैंने मुक्का पहले बनवा लिया है, है ना, चल ले पुलिसिया से भी बात कर लो। सूरज राठी, आप अपनी माँ की जो कमियां थे वो पूरी कर रहे हैं, आप वर्दी आपने पहन ली है, कैसा लग रहा है इस नई फैमिली में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रही ना कि एक नया शो है, ऐसा लग रहा है पहले से जुड़े हुए इनके साथ, जो प्यार है वो पहले दिन से आ गया था जी। और सबसे अलग कैरेक्टर जो हमारे पास में है अभी आप लाडला भाभो का लाडला, तो आप कितना कुछ फैमिली से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि भाभो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, कनक से थोड़ा सा दूर रहती हैं? मैं ये बोलूँगा कि इसी जो पहले जो सीज़न में था कि पहले मुझे कहीं मेरे माँ बाप जो है उन्होंने कहीं पर मुझे भेज दिया था मेरे मामा के साथ रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो उसका जो एक जो घाव है ना वो पूरा नहीं हुआ है अभी भी, तो बट मेरी भाभो जो है मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जैसे जो और जो बाकी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं बाकी सब, उनसे जो केमिस्ट्री जो बनी है अभी जैसे उसने कहा कि फर्स्ट पहले क्लिक में जो होता है ना वो बहुत अच्छा था फर्स्ट क्लिक, तो उसी से धीरे धीरे जो प्यार अभी ग्रो हो रहा है ना वो आप सबको दिखेगा। देख लो भाभो का लाडला बेद भी है, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देवे है। भाबो का लाडला तो फिर बाबा साहब ही है। अरे भाबो के सभी प्यारे हैं, पूरा परिवार प्यारा है, तो एक बार सब साथ में बोल ले तू सूरज मैं सांझ पिया जी। तो तू सूरज मैं सांझ पिया जी स्टार प्लस पर ये शो जरूर आएगा, लेकिन फैमिली वही रहेगी, कुछ कैरेक्टर जरूर चेंज है, लेकिन भाभो ने जिस तरीके से प्यार लुटाया है वो काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।